अब आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और साथ ही दिख रहा होगा बेल आइकन, उसे दबाकर नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आज इंडिपेंडेंट टीवी को लेकर बात करेंगे। जैसे कि आपको मालूम ही है कि इंडिपेंडेंट टीवी की सर्विस हमारे लिए अभी तक शुरू नहीं की गई है, जबकि टीडी सेट कोर्ट की ओर से इनको क्लियरेंस मिल गई है कि जैसे ही आप एंट्रिक्स को पेमेंट करेंगे तो एंट्रिक्स द्वारा आपको वापस से ट्रांसपोंडर्स का सिग्नल रिस्टोर करके दे दिए जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों अभी तक ऐसी कोई भी खबर नहीं आई है। हफ्ता हो चला है और हफ्तों के भीतर भी अभी तक कोई भी सिग्नल्स वापस से हमारे लिए रिस्टोर नहीं किए गए हैं। तो दोस्तों इंडिपेंडेंट टीवी ने अब आपके लिए एक नया फैसला लिया है। फैसला दोस्तों इस तरीके से लिया है कि उनको कहना है कि बहुत से कस्टमर जो है वो कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारी पेमेंट को वापस किया जाए, और इंडिपेंडेंट टीवी का ये भी कहना है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि जल्दी से जल्दी हम सिग्नल्स को वापस से रिस्टोर कर पाएँ। तो उनके पास केवल एक ही विकल्प बचता है कि जितना उनके पास बकाया बैलेंस है उसे वह कस्टमर्स को रिफंड करने की कोशिश करेंगे। जितने भी पैसे उनसे लिया है कस्टमर से उनको वापस करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अब बात आती है कि पेमेंट जो है ये रिफंड किन को की जाने वाली है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, ये जो पेमेंट है वो केवल उन्हीं लोगों को रिफंड की जा सकती है जिन्होंने अभी हाल ही में कनेक्शन को बुक करवाया था सैटेलाइट सर्विस के बंद होने से पहले। तो दोस्तों उन्हीं को इंडिपेंडेंट टीवी पेमेंट रिफंड करने वाला है। बाकी जितने भी कस्टमर जैसे कि आप या मैं हूँ जिन्होंने काफ़ी वक्त पहले से ही सर्विस को ले रखा है तो उन्हें इस पेमेंट का फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इंडिपेंडेंट टीवी आपको मालूम है एक खुद से ही फाइनेंशियली प्रॉब्लम से जूझ रहा है। जब उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो ट्रांसपोंडर्स को वापस से सर्विस को शुरू कर सके तो वो कैसे सभी के सभी कस्टमर्स को वापस से रिफंड कर पाएगा। तो केवल यहाँ पर उन्हीं लोगों को रिफंड किया जाएगा जिन्होंने अभी हाल ही में कनेक्शन को बुक करवाया था। सामने देख भी पा रहे हैं कि अब रिफंड करने की बात की जा रही है, लेकिन ऐसी कोई भी खबर नहीं कि किस तरीके से रिफंड किया जाएगा और कब किया जाएगा, इसके लेकर भी कोई जानकारी नहीं है। तो हो सकता है केवल बातें ही हो रही हैं, रिफंड आपके लिए हो ही ना। बाकी दोस्तों सर्विस आपके लिए कब से वापस से शुरू होने वाली है इसको लेकर अभी तक कोई भी सूचना जारी नहीं की गई है। तो दोस्तों फिलहाल आपको इस पर उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं है, आप फिलहाल दूसरे डिटेल का चुनाव कर सकते हैं। बाकी दोस्तों कृपया करके हम चैनल पर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पर भी आप हमें लाइक फॉलो जरूर कीजिएगा, वहाँ पर भी हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट डालते रहते हैं। नमस्कार।